नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये जो आपकी रीट लेवल वन परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के लिए आधार कार्ड और प्रवेश पत्र भी नकली बनाए गए हैं, अगर इस न्यूज़ से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो है वो इम्पोर्टेंट जो आपके हर एक वैकेंसी से संबंधित है, जैसे रीट से संबंधित हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो न्यूज़ अभी 15 लाख रुपए में डेमी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देते शिक्षिका सहित 12 फर्जी अभ्यर्थी जो आपके हैं वो पकड़े गए हैं भाई। तो मुरलीपुरा थाना पुलिस ने शनिवार को तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा की लेवल एक परीक्षा में एक फर्जी महिला अभ्यर्थी सहित 12 डमी व मूल परीक्षार्थियों को गिरफ्तार किया है। अभ्यर्थियों में डमी महिला अभ्यर्थी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पुराना पावर हाउस सांचौर में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित है और 15 लाख रुपये में डमी अभ्यर्थी बनकर दे रही थी। डीएसपी वंदिता राणा पश्चिम ने बताया कि डमी अभ्यर्थी के रूप में परीक्षा दे रही है संगीता बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास फर्जी आधार कार्ड व प्रवेश पत्र मिला है। डमी अभ्यर्थी संगीता बिश्नोई ने अपने नंदोई भजनलाल बिश्नोई के कहने पर उसकी जानकार मंजू बिश्नोई के स्थान पर डमी परीक्षा के रूप में परीक्षा देने स्वीकार किया है। चित्रकूट थाना अधिकारी गुंजन ने बताया कि कमला देवी बुधिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरापुर में फर्जी अभ्यर्थी रामजीवन बिश्नोई निवासी गुल्ले की शेडो अवार्ड में हाल किराएदार मधुबन जोधपुर को गिरफ्तार किया गया है। वह मूल परीक्षार्थी विजेंद्र कुमार जालोर के स्थान पर परीक्षा दे रहा था, उसे फर्जी आधार कार्ड व फर्जी प्रवेश पत्र बरामद किया है। परीक्षा केंद्रीय अध्यक्ष ममता मेला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। फर्जी परीक्षार्थी रामजीवन ने पूछताछ में बताया कि उसे विजेंद्र कुमार से 4 लाख रुपए ले उसके स्थान पर परीक्षा देने आया है। तो सोडाला थाना पुलिस ने 7 जालसाजों को पकड़ा है। रीट भर्ती परीक्षा में सोडाला थाना पुलिस ने 2 मूल परीक्षार्थी व 1 डमी परीक्षार्थी सहित कुल 7 को गिरफ्तार किया है। 35,000 रुपये एडिटिंग की आधार कार्ड प्रवेश पत्र बरामद किए हैं। डीएसपी योगेश गोयल ने बताया कि धौलपुर जिले के रहने वाले अरुण गुजर, श्रीनिवास गुजर, विनोद गुजर, भीमसेन गुजर, अजय गुजर, प्रेमपाल गुजर व झुंझुनू निवासी विजय कुमार सैनी को गिरफ्तार किया गया है। अरुण कुमार के मोबाइल फ़ोन को चेक किया तो एक मोबाइल नंबर अजय भाई के नाम से सेव पाया गया, जिसमें ATS नकदी व चेक को लेकर के अलवर वाले सेंटर के फ़ोन पर किसी अन्य नाम नहीं लेने की चैटिंग मिली है। और जिस पर अरुण कुमार गुजर से पूछताछ हुई तो उसमें भाई अजय कुमार की जगह अलवर में परीक्षा सेंटर में बैठे डमी परीक्षार्थी विजय सैनी को रुपये देकर बैठाना था। अजय कुमार व डमी परीक्षार्थी विजय कुमार को महेश नगर में तलवारिया गार्डन के पास पकड़ा है। मूल अभ्यर्थी प्रेमपाल सिंह व अजय कसाना के स्थान पर डमी अभ्यर्थी विजय सैनी को बैठाना जानकारी में आया है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मेहंदी का बास आमेर में सांचौर जालोर निवासी परीक्षार्थी राजू बिश्नोई के स्थान पर गुड्डा मलानी बाड़ में निवासी फर्जी अभ्यर्थी महेंद्र जाट को परीक्षा देते पकड़ा गया है। बागोड़ा जालोर निवासी महेंद्र सिंह बिश्नोई को जोटवाड़ा में ओम प्रकाश बिश्नोई के स्थान पर जो आपको परीक्षा देते पकड़ा गया है। भाई पेपर लीक हुआ नहीं हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता भाई, लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है आप लोगों के साथ। आपको क्या लगता है, परीक्षा वो लीक हुई है, कैंसिल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, मेरे को कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन रेट से संबंधित है वो टाइम टू टाइम आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।